बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेज पैटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो गाजर ली है, एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया मैंने। बस ये तीन हमें वेजिटेबल चाहिए। अब इसको हम करेंगे कद्दूकश। गाजर और आलू को कद्दूकश करेंगे और प्याज को हम स्लाइस में काटेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आलू को कद्दूकश करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, आलू को मैंने यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है। अब यहाँ पे मैं करूँगी गाजर को कद्दूकश। यहाँ पे मैंने सारी गाजर भी कद्दूकश कर ली है। अब यहाँ पे जो मैंने प्याज ली है इसको हम स्लाइस में काट लेंगे। अब ये सारी चीज़ों को मैं बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। अब इसमें डाल दूँगी दो कटी हरी मिर्चें बारीक और यहाँ पे हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, ये इसमें चला जाएगा। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़े की ये टिक्कियाँ बनती हैं, बहुत ही मज़े की ये पैटी बन के तैयार होती है। आप इसको किसी भी सॉस के साथ खाएँ, रमज़ान में भी इसको आप ज़रूर बनाएं। जो बच्चे वेजिटेबल से भागते हैं आप उनको इसी तरह बना के दें। अब यहाँ पे डालूंगी 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी। ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। नमक वगैरह आप देख सकते हैं, अगर कम हो तो डाल सकते हैं। अब इसमें शामिल करूंगी 2 अंडे। एक अंडा चला गया। ये दूसरा अंडा चला गया इसमें। अब इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून मैदा, के साथ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स करूंगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उसमें हम ये पैटी तैयार करेंगे। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें मैं पैटी बना के फ्राई करूँगी। ये 2 चम्मच के तकरीबन करीब मैंने यहाँ पे बैटर लिया है ये वाला। इसको इस तरह हम इक्वल कर देंगे साइडों से। ये देखें बस इस तरह। इसी तरह मैं ये दूसरा भी डालूँगी। अब इसको मैं एक तरफ से लो टू मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने दूंगी। इसी तरह मैं इसको पका रही हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब इसकी मैं साइड चेंज करूंगी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है कि साइड चेंज कर दिया। अब इसी तरह इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने दूंगी। दोनों तरफ से ये मैंने पैटी गोल्डन कर ली है। अब इसको निकाल के इसी तरह सारी तैयार करेंगे। सारी हमारी वेजिटेबल टिक्की तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मायो ली है, 1/2 कप मैंने कटा हुआ धनिया लिया है। यहाँ पे मैंने 15 से 20 पत्ते पुदीने के लिए हैं, 2 जवे लहसुन के लिए हैं, 2 हरी मिर्चें मोटी वाली तीखी नीली, यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्चें गोल वाली ली हैं सूखी, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सिरका लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस चटनी को अच्छी तरह हमाम दस्ते में कूट लूँगी क्योंकि उसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही मज़े का और यमी होगा। यहाँ पर मैं धनिया, पुदीना, लहसुन, यहाँ पर ये दो मिर्चें हैं हरी मिर्चें, इनको मैं अच्छी तरह कूट लूँगी। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह कूट लिया। इसके साथ जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही यमी लगता है, और अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें डाल के इसको ग्रैंड भी कर सकते हैं। अब ये चटनी हमारी रेडी है। अब ये जो नमक है ये भी मैं इसमें डाल के इसको कूट लूँगी। थोड़ी सी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पर 1/4 टीस्पून चीनी शामिल कर दूँगी। थोड़ा चीनी और नमक डाल के इसको मैं फिर अच्छी तरह कर लूँगी 1 मिनट के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने फिर 1 मिनट के लिए कूट लिया है। ये चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे मैंने जो 1 कप मायोनीज ली है, मैंने ज़रा थोड़ी सी चटपटी बनाई है। अगर अगर आप ये हमारी बिल्कुल रेडी है,
अगर आप ये ज़्यादा चटपटी नहीं खाना चाहते तो आप मिर्चें इसमें से कम कर सकते हैं। एक मिर्च हरी डाल लें और एक आप गोल लाल वाली सूखी मिर्च डाल लें। चलिए इस चटनी को हम मायो में मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो 1 कप मायोनेस लिया है, अब इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून सिरका। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये सारी चटनी चली जाएगी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त की हमारी चटनी मायो सॉस बनेगी। अब इसको मैं अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी इसमें। अब इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये देखें ये हमारी मायो चटनी सॉस रेडी है। इसको सैंडविच पे लगाने के लिए हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं करूंगी साइड पे। ये सारी पैटी मैंने तैयार कर ली है, अब हम सैंडविच बनाएंगे इसके। यहाँ पे हमने 8 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसको क्या करेंगे, मैं ग्रिल पैन पे इसको सेक लूँगी। अब यहाँ पे ग्रिल पैन पे इसको सेक लेंगे। मैंने थोड़ा सा सेक लिया है, ये देखें ग्रिल पैन के ऊपर। इसी तरह मैं ये दूसरी साइड से भी सेक के इसको निकालूंगी। इसी तरह मैं दूसरी ब्रेड भी कर लूंगी। मैंने सेक ली है, अब इसको निकाल के हम बाकी की भी ब्रेड इसी तरह सेक लेंगे। आप चाहें तो सादे पैन पे भी इसको सेक सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने लिया ये मायो चटनी सॉस, अब इसको मैं ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी। बहुत ही मज़े के ये सैंडविच बनते हैं। चिकन वाले सैंडविच आप बिल्कुल भूल जाएंगे जब इन सैंडविच को आप बनाएंगे। अब ये लगा के एक के ऊपर हम लगाएंगे ये केचप। एक के ऊपर ये मैं केचप लगाऊंगी 1 चम्मच। ये लगा दिया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने टमाटर खीरा काट के रख लिया इसलिए स्लाइस में। अब इसको हम 2 टमाटर के पीस लेंगे, 4 ही कर लूंगी मैं इस तरह। और यहाँ पे ये खीरा रख, आप इसी तरह खीरे के स्लाइस रखेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने वेजिटेबल यहाँ पे मैंने पैटी बनाई थी ये इसके ऊपर रखते हैं। और इसके ऊपर ये जो मैंने केचप लगाई है इसको हम इस तरह उल्टा देंगे इसके ऊपर। ये हमारा सैंडविच तैयार हो गया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। दरमियान में इसको हम इस तरह काट लेंगे नाइफ की मदद से। ये देखें बस, बहुत ही मज़े के यमी टेस्टी ये हमारे सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं। ये हमारे वेज पैटी सैंडविच बनके तैयार हैं बहुत ही मज़े की सॉस के साथ। आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाएं, अपनी इफ्तारी में इसको ज़रूर शामिल करें। मेरी वेज पैटी सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।